मुश्किल या कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए इस तरह का सब्जेक्ट उठाना, ऊपर से एग्जीक्यूट करना? एक्चुअली मुश्किल तो काफ़ी रहा है, क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि इतनी इंटेंस फिल्म के लिए जो है ना, जैसे जो रेप सीक्वेंस है उसके लिए जो है सेंसर ही निकालना काफ़ी मुश्किल था। अब इसमें जो सबसे बड़ा आई थिंक रेप सीक्वेंस, अगर आप गूगल या यूट्यूब अगर सर्च करोगे तो उसमें आपको एक मिनट दो मिनट के मिलेंगे। ये काफ़ी लंबा 9 मिनट का रेप सीक्वेंस है, जो इंक्लूडिंग बॉलीवुड टू हॉलीवुड अभी तक नहीं आया है इतना बड़ा रेप सीक्वेंस। मेरा रेप सीक्वेंस करीब करीब 12 मिनट का था और उसको करीब करीब 3 मिनट हमने काटा है, जबकि सेंसर की तरफ से अप्रूव हो रहा था 4 मिनट्स। तो काफ़ी 4 से 5 महीने लगे मुझे सेंसर पास कराने में, और ऐसा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक्टर्स को ढूंढने में कितनी मेहनत करनी पड़ी? जैसे हमने देखा कि ऑन स्क्रीन एक्टर्स सारे सभी अच्छे लग रहे हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सा बताइए कि कितनी खोज करनी पड़ी एक्टर्स? एक्टर्स का हमने काफ़ी ऑडिशन रखा, हमने यहाँ पे ऑडिशन रखा, प्रयागराज में ऑडिशन रखा, उसके बाद में हमने दिल्ली में भी ऑडिशन रखा था। तो सबके क्लिप्स देखने के बाद अल्टीमेटली हमने 3 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया था, उसमें से फिर काशवी को मैंने फिर सेलेक्ट किया एज पर एक्टिंग, एज पर टैलेंट। काशवी, जानना चाहूँगा आपसे, ये जो फिल्म है निर्भया कांड पे है बेसिकली, क्या कहना चाहेंगे, जब से ये हुआ था 2012 में तब से आप कितना केस को फॉलो कर रही थी और आपके लिए कितना एक दुखदायी चीज था एक लड़की होने के नाते? नहीं, ये निर्भया कांड पर नहीं है बेसिकली, ये जो दिल्ली में रेप केसेस हुए हैं अभी तक काफी सारे केसेस होते रहते हैं, मतलब आज वन ऑफ द मोस्ट हाइलाइटेड केस निर्भया। एक्चुअली नहीं, ऐसा है नहीं, हमने जब आप फिल्म देखेंगे प्रॉपरली तो उसमें हमने और भी रेप दिखाए हैं, मतलब दिल्ली में, जैसे उसमें से एक कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है वो एक कैरेक्टर है, वो किसी की रियल स्टोरी पे बेस नहीं है, वो सिर्फ ये है कि एक नॉर्मल से सीधी सादी लड़की का जब रेप हो रहा है, एक लव स्टोरी दिखाई है प्रॉपर, तो वो किसी से रिलेट नहीं करती है, वो खुद में एक कैरेक्टर है। मतलब हाँ, मैंने काफ़ी सारे जो रेप केसेस हुए थे दिल्ली में उसके बारे में पढ़ा था कि भाई कब हुआ, रीज़न क्या था, क्या उन लोगों को सज़ा मिली या नहीं मिली, तो तब जाके मैंने देखा कि बस कि ये है, बट ऐसा नहीं है कि ये किसी कैरेक्टर पे बेस है, ये प्रॉपरली जो रेप होते हैं, एक मासूम सी लड़की होती है जिसको कहा जाता है कि उसने शॉर्ट ड्रेसेस पहनी है इसलिए हो गया, ऐसा नहीं है। तो हमने वो दिखाया है कि भाई एक सिंपल सी लड़की है जिसकी एक लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, उसके सपने हैं, और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या होता है, उनके पेरेंट्स पे क्या गुजरती है, उसकी लाइफ कुछ बचती नहीं है एक्चुअली। लेकिन आपने जो दिखाया है फिल्मों में, बस में हुआ है, जो दिल्ली निर्भया रेप है, जैसे कि जिस तरह से दिखाया गया पूरा नेक है, उसी तरह से वो पूरा वही दिखाया है। एक्चुअली ट्रेलर में हमने खाली एक केस को हाईलाइट किया है, इसमें काफ़ी सारे रेप केसेस हैं जो इंडिया में जैसे काफ़ी सारे हो गए, जैसे यूपी में हो गया, बेंगलोर में हो गया, तो ऐसे इससे पहले एक दिल्ली में निर्भया से पहले ये एक फॉरेनर का रेप केस हुआ था, तो ये सारे हम मैंने रिसर्च की है। तो जो इतनी रेप केसेस बढ़ रहे हैं इसके बेसिस पे सबको, सबसे जो मुझे मिला है वो उसके ऊपर ही पूरी फिल्म बेस बना दी है मैंने। पर ये भी कहना चाहूँगा कि बीइंग अ वुमन, विक्टिम बनना, उसके अंदर बताइए कि एक नेगेटिविटी इतना ज़्यादा सोसाइटी में पहले से है, लोग का लाइफ स्ट्रेसफुल है, इस तरह का प्रोजेक्ट देखने का मतलब क्या निकलेगा दर्शकों को? देखिए क्यों देखेंगे, क्या होता है ना, हम किसी भी चीज़ को या तो पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। जब मैंने ये कैरेक्टर सुना था तो मुझ में हिम्मत नहीं थी ये प्ले करने की, बिकॉज ये खुद में ये सोचना कि आप गैंग रेप्ड हो, आप मेंटली डिसेबल हो जाते हो कहीं ना कहीं। लेकिन जब मुझे मैंने स्टोरी सुनी कि वो किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, देर इज़ अ रीज़न कि लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई आप एक ज़िंदगी ख़राब नहीं करते हैं, आप उसकी फैमिली, उसके रिलेशंस, उसके रिलेटिव्स सबकी लाइफ ख़राब करते हैं, ये हमारा मकसद रहा है कि भाई आई विश कि हम सबकी विश है कि इस मैसेज के बाद थोड़े से लोगों को अकल आए और लोगों की जो सोच है लड़कियों को लेकर वो बदले, और ये जो केसेस होते हैं बिकॉज दिल्ली में ज़्यादा रहता है ये सब, तो हमने कहीं ना कहीं सिर्फ लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करी कि भाई बदलो, अपनी सोच बदलो और ऐसा कुछ मत करो। इस तरह के हाईलाइट करना जरूरी है, नहीं जरूरी है, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को? एक नेगेटिविटी है ये काफी, और एक पर्सनल मैटर होता है। जरूरत तो नहीं है, बट मीडिया वालों को कौन रोक सकता है? राइट, जरूरत तो नहीं है। अब एक लड़की का रेप हो गया तो इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है किसी को मीडिया में दिखाने की, केस वैसे भी सॉल्व हो सकता था। लेकिन ठीक है, मीडिया भी हेल्प भी करता है, एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, आप बोल लो तो ठीक है।
मैम आपने जो किरदार निभाया है कितना आपने इसके लिए वर्कआउट किया और जिस तरह से आपने जो दिखाया है ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली में हुआ है उसी को लेके है आपका पूरा वो बताइए क्या मैंने कैसे निभाया है मुझे कुछ डिफिकल्टी नहीं हुई मैं एक्टर हूँ तो मैं जर्नलिस्ट भी बन सकती हूँ रिपोर्टर भी बन सकती हूँ कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें हाँ मतलब थोड़ी बहुत मेहनत की और ठीक है हो गया सर सोनिया गांधी का रोल यहाँ पर देखा जा रहा है तो ये सोनिया गांधी का रोल बिल्कुल नहीं है आप लोग गलत मत लीजिए आपको लग रहा है वो ये एक मिनिस्टर का रोल है ये एक मिनिस्टर है उसके हाँ, बारे में थोड़ा कुछ तो कोई ना कोई एक स्टेट की कोई ना कोई तो सर्वोपरि होती ही है कि दिल्ली कांड तो कुछ ना कुछ तो हमें एस्टेब्लिशमेंट डालना ही पड़ेगा तो ये सोनिया गांधी पे बिल्कुल नहीं है आई एम डिनाइंग दैट चलिए विलन से इतना या, 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 बोला ना और सर प्लीज मेरा जी ये मेरा उस तरफ सर आपसे चाहूंगा कि नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं और वो भी रेपिस्ट का एज एन एक्टर तो करना ही पड़ता है कोई भी रोल आपको प्ले करना है लेकिन क्या पहला आपका क्या वो टेक था जब आपको ये रोल ऑफर किया गया था सर जब ये सर ने मुझे बोला कि शाबाश तुम्हारे लिए एक रोल निकाला है रेपिस्ट का तो मैंने कहा यार ये रेपिस्ट का रोल मतलब बहुत मुश्किल है हमारे लिए पूरी लाइफ में हमने एक सेकंड भी कभी लाइफ जी नहीं रेप वाली रोमांस तो बहुत किए हैं बट रेप नहीं फिर स्क्रिप्ट हाथ में ही पढ़ना चालू किया कम से कम मैंने 500-700 रेप देखे हॉलीवुड बॉलीवुड तमिल तेलुगु सभी शक्ति कपूर और जितने भी कपूर टाइप के सबको हमने रेप करते हुए देख लिया कुछ डिफरेंट प्ले करना था तो कुछ अलग कोशिश की है जो गंदा भी ना लगे और डर भी लगे ये भी हाँ। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहिए मतलब जुडिशरी को लेके आपने जो दिखाया है क्या क्या आपने दिखाया कि ऐसा लग रहा है कि जो जब हुआ था दिल्ली कांड में वो आप लोगों ने पूरा दिखाया क्या आगे का आपने दिखाया किस तरह से उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम आया फेस आया हर जगह उनकी पिटीशन खत्म हुई हैंगिंग के लिए भी प्रॉब्लम हुई वो भी आप लोगों ने दिखाया है फिल्म के अंदर ये तो आई थिंक फिल्म रिलीज होने पे देखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ट्रेलर में एक पार्ट दिखाया वो तो पूरा देख सब तो नहीं दिखा सकते ये 3 मिनट का ट्रेलर है आई थिंक काफी लंबा बनाया मैंने और जुडिशरी में दिखाया है मैंने कि मतलब उनको क्या प्रॉब्लम मतलब कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं इस केसेस के तहत तो कुछ चीज़ें हम मैंने दिखाई हैं स्पेशली एक मैसेज जो दिया है कि लोग मदद के लिए आगे नहीं आते हैं अगर लोग मदद के लिए आगे हों तो शायद हम जो पुलिस को गवर्नमेंट को मीडिया को सबको ब्लेम करते हैं लेकिन हम और आप मिलके ही सामने मदद के लिए आगे नहीं होते हम नज़रअंदाज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो जिसकी वजह से लोगों को बढ़ावा मिल जाता है तो ये बेसिकली एक मैसेज है कि लोग बढ़ के मदद करें जो भी हैरेस हो रहा हो चाहे उसका रेप हो रहा हो चाहे वो टॉर्चर किया जा रहा हो तो उसके लिए लोगों को बढ़ के मदद करने के लिए आना चाहिए आगे और इंस्टेड ऑफ मीडिया को या फिर इसको पुलिस को ब्लेम करने की जगह गवर्नमेंट को ब्लेम करने की जगह लोग मदद करने के लिए एक दूसरे की आगे आए लास्ट यही पूछना चाहूंगा 16 को कृति जी मेरा सवाल आपसे है इस तरह की फिल्में काफी बार बन चुकी हैं वेब सीरीज बन चुकी है हाल ही में भी एक दिल्ली क्राइम भी एक बनी हुई थी जिसमें शेफाली जी ने काम किया हुआ था जी तो क्यों लगा कि इस तरीके के टॉपिक पे फिल्म बनाते हैं एंड ये उन फिल्मों से किस तरीके से अलग होने वाली है सर आपने ट्रेलर देखा आपको कैसा लगा सर मुझे अच्छा लगा लेकिन आप बताइए कि क्या रीजन थी वजह क्या था कि मतलब मंशा क्या थी कि क्या दिखाना चाहते हैं एक्चुअली दिल्ली क्राइम से पहले हमने फिल्म स्टार्ट की थी लेकिन ड्यू टू कुछ रीजंस थे तो उसकी वजह से फिल्म रिलीज नहीं तो कुछ रीजन थे जिसकी वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई जिसमें मैंने उसमें से वन ऑफ द रीजन बताया सेंसर काफ़ी टाइम लग गया मुझे आई थिंक मैंने बताया 8 to 9 months मुझे सेंसर में लग गया जैसे करुणा ने 6 month ले लिया उसके बाद में 3 महीने और लग गए काफ़ी बड़ा रेप सीन होने की वजह से तो इस वजह से जो है दिल्ली क्राइम पहले आ गई और हमारी बाद में आ रही है लेकिन हम स्टार्ट पहले से अगर आप मीडिया की बाइश वगैरह सब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हमने उनसे पहले ही शुरू किया हुआ था और जो आप डिफरेंस पूछ रहे हैं मुझसे जो सवाल है आपका वो ये है कि वहाँ पे काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेशन दिखाया गया है सफरिंग दिखाई है लेकिन उसमें मिसिंग जो है सॉरी उसमें जो मिसिंग है वो एक गैंग रेप गर्ल के साथ वो क्या गुजरती है किस वो जो जब रेप हो रहा होता है उसको कितना टॉर्चर होता है कितनी पीड़ा होती है वो कोई किसी ने नहीं दिखाया तो मैंने वो दिखाने की कोशिश की इसकी USP ये है एंड और क्या डिटेलिंग की है आपने इस फिल्म के लिए क्योंकि आधे से ज्यादा कहानी तो लोग दिखा चुके हैं बता चुके हैं आपने क्या अलग से आप दिखाने वाले हैं इस फिल्म के लिए सर काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई हैं मैंने जिसमें से पुलिस का रोल दिखाया है
और मीडिया का भी काफ़ी पावरफुल रोल दिखाया है, जो मीडिया वाइज का आई थिंक दिल्ली क्राइम वॉज मिसिंग, तो मीडिया का काफ़ी बड़ा मैंने रोल इसमें रखा है। और स्पेशली जो सफरर है, लाइक काशफी को जैसे मैंने दिया है जो रोल, तो जो सफरर है उसका भी हमने जो है काफ़ी बड़ा दिया है कि वो पीरियड जब रेप हो रहा है तो उसके साथ क्या गुजरती है, उसको कितने दर्द से गुजर, स्पेशली उसको कितने दर्द से आप रेप करते हो, उसके बाद जो दर्द होता है, उसके बाद में जो उसको अस्पताल ले जाने के लिए जो जद्दोजहद होती है उसमें क्या गुजरता है, उसके बाद में ट्रीटमेंट के टाइम पे कितना पेन फील करना होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंस पैदा करती है। और फाइनली ये बताइए, प्रिपरेशन तो एक्चुअली मुझे सर ने कराई थी, बिकॉज देखिए कोई भी ये सोचना, जैसे कि मैंने कहा था कि ये सोचना कि आप गैंग रेप्ड हो और फिर आप एक्ट करते हो, वो पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन जब मेरे सामने सर को रूम दिया गया और मुझे डर लगना स्टार्ट हुआ, वहाँ से मेरी कहानी कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई, कि मुझे लगा कि यार, मतलब मैं इन्हें झेल नहीं पा रही थी कि यार ये मेरे सामने नहीं रहना चाहिए, मुझे डर लग रहा था, वो आना मुझ में स्टार्ट हुआ। और जब हम वो सिक्वेंस कर रहे थे, हमारी प्लानिंग थी कि आई थिंक शायद हम 3 दिन में वो शूट कर लेंगे, कम्प्लीट कर लेंगे पूरा सिक्वेंस, बट वी टुक आई थिंक 10 days ऑलमोस्ट, 10 days, yes, 10 days, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया, शादाब ने मुझे रियलिटी में बहुत बार स्लैप किया, क्योंकि एक नॉर्मल रोना और सच में थप्पड़ पड़ने के बाद रोने में बहुत फ़र्क होता है। आपने एक सीक्वेंस देखा होगा, वो बाल खींच के मुझे पीछे लेके जा रहे हैं, उन्होंने सच में ही मेरे बाल खींचे थे। और मैं हमेशा से रही हूँ कि मुझे कैरेक्टर में आने के लिए मुझे लगता है कि मुझे टाइम जाता है, कि यार मुझे सोचना पड़ता है कि अगर ये करेक्टर है तो ये कैसे जिया जाएगा। लेकिन वो शायद शादाब की वजह से और सर की वजह से कि मैं कर पाई। प्रिपरेशन यही होती है कि आप उसमें जाते हो, कि आप सोचते हो कि यार ऐसा हो गया है या होने वाला है, या कहीं ना कहीं मुझे पता था कि जब रियलिटी में ऐसा कुछ होगा, मेरे बाल खींचेंगे, मुझे थप्पड़ मारा जाएगा, मुझे मेरे हाथ को सॉफ्टली नहीं, उतना हार्डली पकड़ा जाएगा कि मेरी चीख निकल जाए, तो मैंने वो पेन फील किया। और अगर मैं एक्टर भी हूँ तो नो डाउट कि मुझे लगा कि मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, और मैंने परफॉर्म किया। उस बीच में मुझे कई बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, जस्ट बिकॉज के वो कैरेक्टर सोचने में इतना पेन कि मेरा हेडेक का लेवल हाई हो जाता था, तो मुझे इंजेक्शन लेने पड़ते थे, ऐसा काफ़ी बार हुआ है। लास्टली ये जानना चाहूँगा, 16 को अनाउंस कर रहे हैं मतलब रिलीज डेट, लेकिन कितने बड़े प्रोजेक्ट्स आपको रीशेड्यूल हो रहे हैं, तो आपके लिए क्या मतलब एक अचीवमेंट है, क्या है फाइनल स्टेटस बता दीजिए कि 16 को कितने स्क्रीन पे आने वाली है, क्या ये 450 स्क्रीन्स जो है रिलीज होने वाली है ऑल इंडिया। अब अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन होता है तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू पोस्टपोन द रिलीज, बट 450 थिएटर्स इट इज गोइंग टू रिलीज इन इंडिया। सर एक आखिरी सवाल, जो लॉयर का किरदार है, क्या वो सीमा मैम को लेके है, सीमा जो लॉयर थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जैसा दिखाया आपने? बिल्कुल नहीं, लॉयर का किरदार बिल्कुल वैसा नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सीमा जैसा लग रहा है, सीमा जो जिन्होंने केस हैंडल किया था उनके जैसा पूरी तरह से लग रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।